तक आंदोलन चलेगा, इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। और ये सरकार इस घमंड में ना रहे, इस भूल में ना रहे कि आंदोलन को कुचल दे। अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से, केराने से आए, और हमारे देश के धरोहर हैं जो ये बच्चे बैठे हुए हैं। इसको एक जाति में न तोलें, क्योंकि ये मेडल जब लाते हैं ना तो तिरंगा देश का इस तरीका से गौरव करके लाते हैं, तो इस तरीका से नहीं कि देश का गौरव बढ़ता है। जिस समय तिरंगा लहराते हैं दूसरे देश में जाकर, ओलंपिक में विजेता होते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं। अभी मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन के नेता है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बृजभूषण सिंह, हालांकि उत्तर प्रदेश से है, वो एक सांसद है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के लोगों से ही जानेंगे कि उनको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में। हम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। हमारी एक ही मांग है कि बृजभूषण शरण पर जो पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और इन बहन बेटियों को, महिलाओं को और पहलवानों को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो किसी भी बाहुबली या किसी भी गुंडे का साथ नहीं देता है। बृजभूषण शरण एक गुंडा है, माफिया है, और उसने महिलाओं का यौन शोषण किया है, उसमें उसका मुकदमा दर्ज है, उस पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश चाहता है। अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से, केराने से आए। समझ में ये नहीं आता जब देश के लिए ये हमारी बहनें, हमारे भाई लड़ते हैं, मेडल लाते हैं, तब तो प्रधानमंत्री जी उनको अपने पास बुलाते हैं और उनका नाम लेके उनको चाय पिलाते हैं, और प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि इन बहनों को इंसाफ दिला सके। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है ना, देश उठ गया, देश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कैसे करते। जब इतनी बड़ी महिला देश को नाम रोशन करके दूसरी कंट्री में नाम रोशन करती है हमारी बहनें, तब तो प्रधानमंत्री जी अपने पास बुला के फ़ोटो खिंचवाते हैं, इनसे पूछते हैं, और जब इनके साथ अन्याय होता है तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है। वो प्रचार कर रहे हैं बेंगलोर कर्नाटक में, और इनके पास एक ट्वीट भी नहीं कर पाए अब तक, ये 15 दिन हो गए इनको। कर्नाटक में पासपोर्ट वीजा लगने लगा ना, वो बेचारे लॉक हो गए वहाँ पे। क्योंकि देखो, निष्पक्ष जांच होनी बहुत ज़रूरी है, सरकार किसी की भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी सरकार है, हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भरोसा रहता है। और इस तरह के यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो उससे कहीं ना कहीं लगातार समाज को भी नुकसान होता है। अब तक आंदोलन चलेगा, इन भाइयों के साथ, इन बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। और ये सरकार इस घमंड में ना रहे, इस भूल में ना रहे कि आंदोलन को कुचल दे, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों ने उसे भी संभाल लिया था, और रात इसको भी कुचलने का प्रयास किया गया। पूरे देश का किसान सड़कों पे आ गया था रात ही। और अगर सरकार ये सोचती हो कि दिल्ली के अंदर किसान नहीं आ सकता, तो याद कर ले पुराना इतिहास उठा करके कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली के अंदर ही आए थे। फिर से हम दिल्ली में आने की हिम्मत रखते हैं, और उस समय तो हमारे पेट की लड़ाई थी, आज तो हमारी इज्जत की लड़ाई है, और इज्जत की लड़ाई के लिए हम ईंट से ईंट लड़ाने का काम करेंगे। अब ये प्रशासन का जोर है ना, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी, दिल्ली पुलिस भी मजबूर है ना, प्रशासन के ऊपर दबाव है इनके ऊपर, इसलिए ये भी हमारे साथ नाइंसाफी करती है। बहनों के लिए रात में पूरी रात बारिश आई, उनको बेड दिलाने के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत, पुलिस ने बहुत हमारे साथ में बदतमीजी की, हमारी बहनों के साथ में नाइंसाफी की। 2-4 बंदे थे ऐसे, उनके सर भी फूटे। देखो क्या है, ये सरकार पहले जब किसान आंदोलन चला था तो उसको भ्रमित किया उन्होंने कि भाई ये एक जाति का आंदोलन है। आज फिर वही सरकार उसी नीति पर आ गई है कि एक जाति के ये पहलवान है। ये नहीं है, मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, गुर्जर हूँ, और इस 36 बरादरी के और हमारे देश के धरोहर हैं जो ये बच्चे बैठे हुए हैं। इसको एक जाति में न तोलें, क्योंकि ये मेडल जब लाते हैं ना तो तिरंगा देश का इस तरीका से गौरव करके लाते हैं, तो इस तरीका से नहीं कि देश का गौरव बढ़ता है। जिस समय तिरंगा लहराते हैं दूसरे देश में जाकर, ओलंपिक में विजेता होते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं, जब एक जाति के नहीं होते, जब देश के होते हैं। आज इनको, जब इनकी मांगे है, इनके साथ गलत हुआ है, जब आपने उनको एक जाति में डाल दिया, तो इस तरीका से आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं और अपराधी को बचाने का काम कर रही है सरकार। इस तरीका से हम यह लड़ाई यहाँ से लेके और गाँवों तक जिस तरीका से लड़ी जाएगी, हम लड़ने के लिए तैयार है, इसमें फुल सपोर्ट है। और 36 बिरादरी इस आंदोलन में है, ये दिमाग में से निकाल लें कि एक समाज का है, एक बिरादरी का है, या एक उसके समुदाय के लोग हैं। ये 36 बिरादरी के हैं, और ये देश के बच्चे हैं और देश के गौरव हैं, और हम इन बच्चों के साथ हैं तन मन धन से। जब तक सरकार का इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक किसान
अपने बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली दहल जाएगी किसानों से। मोदी जी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सरकार को छुपने की जगह नहीं मिलेगी जब किसान उठ करके आ गए तो। अभी भी वक्त है सरकार संभल जाए और किसानों के बच्चों को, पहलवानों को, इनको न्याय दे और ब्रजभूषण त्यागी को, ब्रजभूषण शरण को जेल में भेजें। ये इससे किसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है और तो कौन होगा जिम्मेवार, क्योंकि सरकार का अधिकार है, सरकार ने करना चाहिए ये सब। देखो FIR होगी तो उसके बाद उसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए, उसे पूछताछ भी होनी चाहिए। वो खुलेआम लगातार बयानबाजी कर रहा है, वो कह रहा है कि खाप पंचायतों को भी कह रहा है कि मैं गलत हूँ तो मेरे दोषी हूँ तो मेरे को ये करना वो करना। देखो आप उच्चतम न्यायालय है, सरकार है, दिल्ली पुलिस है, वो अपना जाँच करिए, उसमें आप सहयोग कीजिए उनका। भागने का क्या मतलब, ऐसे ऐसे भागने से काम थोड़ा चलेगा। बड़ा दुख होता है जब देश के बच्चे से मेडल लेके आते हैं, उस टाइम पे मोदी साहब उन्होंने बुलाते हैं, बुला के चाय पिलाते हैं, वो कहते हैं कि विनय साहब हमारे ही परिवार से हो बेटा, और बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और बजरंग को कहते हैं बजरंग बहुत बढ़िया ऐसे वैसे। तो वो क्या है कि अब यही बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इनकी जो भी मांग है तो मोदी साहब को आना चाहिए सामने, उन्होंने बयान देना चाहिए, बिल्कुल अरेस्टिंग करवानी चाहिए और निष्पक्ष जाँच का भरोसा देना चाहिए देश को और प्रदेश को, सबको देना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है यहाँ जातिगत रंग भी दे दिया जाता है कि एक जाट कम्युनिटी का ये है आंदोलन, यहाँ तो जाट बैठे हैं और हरियाणा से बैठे हैं। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जो लड़कियाँ हैं, जो बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएँ होती हैं बेचारी, हर प्रदेश से होती हैं वो, और सबकी बहन बेटियाँ जाती हैं स्पोर्ट्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि एक निष्पक्ष जाँच की जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।